हाय दोस्तों, मेरा नाम देवक मंगरवाल है। आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ISP अडेप्टर जो कि मार्केट में सबसे टॉप लेवल पे हैं, उनकी जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इसकी जानकारी ढूंढते रहते हैं। आप लोग वीडियो सर्च करते रहते हैं कि UMT EMMC टूल आपका ज़्यादा अच्छा है, या मेडिकल का EMMC टूल आपका अच्छा है, या ZS ISP है सबसे बेस्ट, या फिर हम बात करें आपका UFI का लाइट आपका सबसे अच्छा है, या AE टूल। तो मैंने यहाँ पे इन अडेप्टरों को यूज़ किया है, और इसके बारे में मैं पूरी बात आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकल वे से। तो वीडियो की शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि इस अडेप्टर के बारे में मैं क्या क्या चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इनका प्राइस, कहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं, कौन सा सबसे है बेस्ट। और दूसरी बात मैं इसमें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन से अडेप्टर में क्या क्या चीज़ हो रही हैं, और उनके जो मैंने कोशिश की इनके इंटरफेस आपको दिखाने की, कि इनके इंटरफेस में क्या क्या आप काम कर सकते हैं, क्या क्या आपको इसमें सुविधा और आपको फ़ायदे इसमें आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैंने अच्छी बातें ली हैं तो मैंने ली हैं बुरी बातें भी, क्योंकि इन अडेप्टर से जो हार्डवेयर में लोगों को दिक्कत आ रही है उसके भी मैंने कुछ सोल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है बहुत सारा नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं ISP अडेप्टर पर नई जानकारी। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन फोन जो आ रहे हैं ओप्पो वीवो MI मेजो और इन सब के जो फोनों को आप ऑफलाइन अनलॉक करना, तो आप ये ISP अडेप्टर जरूर परचेस करें, जिनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर लिया हुआ सबसे पहले UMT EMMC टूल को, जिसका प्राइस मार्केट में है 1100 रुपये और 1200 रुपये के बीच। मतलब कहीं ये 1200 रुपये, कहीं 1250 या 1000 रुपये भी ये मिल रहा है। दोस्तों, UMT EMMC टूल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो UMT EMMC टूल अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो चलिए मैंने उसके बारे में बना के रखी हुई है बहुत सारी जानकारी। तो सबसे पहले इस तरह का UMT EMMC आपको ISP अडेप्टर आपको कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको एक अडेप्टर, आपको केबल्स, आपको और कुछ वायरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अच्छा दोस्तों, सबसे अच्छी बात देखने के आपको मिलेगी कि इसमें है ना, ये देखिए एक वायर आपको बहुत सारे लपेट कर, जैसे ये दे रहे हैं ना, ये दे रहे हैं आपको ISP पिन आउट करने के लिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मसले जा रहे हैं कि लोग अपने फोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वर्क तो ये सब कर रहे हैं पर फोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लंबे लंबे जम्पर वायर ले रहे हैं। तो ये जम्पर वायर कम से कम 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के लेना है बीच। अगर आप इतना लेते हैं तो आपका फोन कनेक्ट होने में कोई नहीं होगी दिक्कत। मैं इस पे एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो के बाद आएगा, कि अगर आप ISP अडेप्टर यूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज ध्यान देनी है। तो एक चीज ये नोट कर लीजिएगा कि आपको जो वायर यूज करना है वो यूज करना है 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच। बहुत ज्यादा लंबा वायर यूज करेंगे तो उसमें डाटा ट्रांसफर होना हो जाता है मुश्किल, और उस वजह से कनेक्टिविटी हो जाती है ब्रेक। तो ये आपका UMT का EMMC का ISP अडेप्टर जो आपको मिलेगा मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया 1000 रुपये में अभी सेल्स में चल रहा है। आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं, पर ये वीडियो देख लीजिए पूरा कि कौन सा आपको परचेस करना है कौन सा नहीं। हालांकि सोर्सेस मैंने आपको बता दी हैं। तो ये है इसका इंटरफेस। दोस्तों, ये शुरुआत में आया था सबसे पहले वर्जन 0.1 के साथ, जहां पर इन्होंने सर्विस दी थी एक पिन आउट की, जहां पर आप इस तरीके से पिन आउट निकाल सकते थे। मतलब आपको गूगल में अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं थी, आपने इसे पिन आउट पर जाके क्लिक करना है और आपको वहां पर अलग अलग पिन आउट मिल जाती है। और इसको कर रहे थे ये बकायदा अपडेट, हालांकि इसका अपडेट इसके बाद में आ चुका है। दूसरा था इसमें पार्टीशन टेबल, जिसमें आप इसकी पार्टीशन जो फाइल बनती है, जनरल पार्टीशन जो फाइल बनती है, वो पार्टीशन को आप कर सकते हैं रीड और उसको कर सकते हैं राइट, और उसके साथ डम्प फाइल बना सकते हैं। साथ में सर्विस में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कर सकते हैं जैसे ISP से आप फॉर्मेट या फैक्ट्री रीसेट, और इसमें आप सेम मोड पे भी आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो वर्जन आपको मिली थी वर्जन 0.1 के साथ, अभी इसके साथ में लेटेस्ट वर्जन इसका जो आया है वो है 0.2 UMG का। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ऐड किया उन्होंने फर्मवेयर टूल। मतलब फर्मवेयर टूल में आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास में ये टूल है तो आप इसको कर सकते हैं आप फ्लैश भी, क्योंकि आप यहाँ से ले सकते हैं इसकी OG फाइल। तो दोस्तों, इसकी ओरिजिनल फाइल को लोड करके आप कर सकते हैं फ्लैश और फोन को कर सकते हैं वापस लाइव। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी दे दी है। तो ये है UMT का EMMC टूल वर्जन 0.2। पर दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितने मॉडलों को ये सपोर्ट करता है, पर दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये लेना बेस्ट है। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास में है, अगर आप
सोच रहे हैं कि मैं ISP खरीद लूं UMT वाला, दोस्तों अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए है कि नहीं है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा फॉल्ट ये देखा जा रहा है, जो इसका अडेप्टर है एक्चुअल में, जहां से आप इसको ISP कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसका अडेप्टर है जहां से आप इसके ISP कर रहे हैं, वो अडेप्टर में बेसिकली हो क्या रहा है कि हो रहे हैं ओवर वोल्टेज के कारण आपका फोन हो जाता है डेड। बहुत सारे टेक्नीशियन ये सोचते हैं कि भाई मेरा UMT AMC टूल लगाया, मैं तो सिर्फ रीड करना चाहता था या ISP करना चाहता था, पर जैसे ही करता हूं मैं कनेक्ट तो मेरा फोन हो जाता है डेड, तो सिर्फ कनेक्ट करने के कारण डेड हो जा रहे हैं, दूसरा कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। इशू कनेक्टिविटी का भी है और इशू फोन को डेड करने का भी है। तो रीजन ये है कि आप प्रॉपर तरीके से आप पहले इसमें देखिए कि VCC और VCC Q पर कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए VCC Q पर 1.8 वोल्टेज से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए और VCC पर 2.8 मैक्सिमम 3.3 के ऊपर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पर ये दे रहा है VCC और VCC Q दोनों पर 3.4 वोल्टेज के साथ, ये डाटा लाइन को छोड़ के भी कुछ CMD CLK को भी दे रहा है 3 वोल्टेज के ऊपर, और इसी कारण ये फोन हो जा रहे हैं डेड। दोस्तों कोई भी आप में से बहुत कम लोग होंगे जो ISP अडेप्टर तो यूज करते होंगे, पर कभी भी मल्टीमीटर से आपने ISP अडेप्टर के कभी भी वोल्टेज चेक नहीं किए, इसको जरूर करें चेक, क्योंकि ये आपके फोन को कर सकता है डैड। आप कस्टमर के फोन से पहले, हाँ कई लोग बोलेंगे कि सर कनेक्ट होने के बाद अगर वोल्टेज आते हैं, जैसे UFI लाइट में क्या होता है कनेक्ट होने पर ही वोल्टेज आते हैं, तो आप अपना कोई फोन यूज कर लो, कस्टमर का क्यों डैड करना है। तो रीजन ये आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन है मार्केट में, और मैंने इसके सोल्यूशन के लिए मैंने बोला कि मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी ये वीडियो है आपको बताने के लिए कि UMT MMC टूल आप चाहें तो ले सकते हैं, पर बहुत से लोगों ने इसको रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि ओवर वोल्टेज के कारण ये फोनों को कर रहा है डैड। हो सकता है इसके अडेप्टर का भी नया वर्जन आए और वो कुछ यूज करें IC जो वोल्टेज को एक्चुअल कम करे, या तो कुछ अलग कॉम्पोनेंट का यूज, या तो खुद ही वो लगा दे कुछ रजिस्टर इसको, जिससे इसको वोल्टेज मिले जितना इसको मिलना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बात मैं करता हूँ, यहाँ पर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है मेडिकल EMC टूल, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ये वाला भी। दोस्तों बहुत सारे लोग ये टूल भी यूज कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसकी फोटो भी वीडियो भी डाला हुआ है। मैं सच बताऊं ये जो EMC का टूल है, इसके साथ आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से एक मिलता है आपको ISP अडेप्टर और इस तरह ये, और एक मिलता है आपको BGA के अडेप्टर मिलता है आपको, जनरली आप उसको रीड राइट और ये प्लसिंग करने के लिए आपको BGA अडेप्टर मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से BGA अडेप्टर मिलते हैं, तो BGA 254 लेटेस्ट वाला, BGA 153, BGA 221 सबसे कॉमन EMMC EMCP वाला, और एक आपका मिलता है पिनआउट अडेप्टर जो आपको ISP करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है ये टूल, पर मैं आपको बता दूं कि इस टूल में भी फोनों लोगों के फोन हो रहे थे बहुत ज्यादा डेड। दूसरी बात, इसमें अपडेट नहीं आ पा रहा था। आप भी खुद देखेंगे कि मेडिकल ने अभी फिलहाल 1-2 महीने से इसको अपडेट देना कर दिया था बिल्कुल बंद, जिस वजह से लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे, मतलब बहुत नए फोनों के मॉडल इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आप देखेंगे इस तरह का इसका टूल का इंटरफेस है, वर्जन 1.22 इसका टूल है, ऊपर जो इसका ड्राइव बनता है फिजिकल ड्राइव टू करके ऐसा ड्राइव बनता है इसका, उसको स्कैन करने के बाद में फिर आपको जैसे रीड इन्फॉर्मेशन लेनी है, या आप जैसे रीड इन्फॉर्मेशन देखिए इस तरह से रीड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या आपको करना है FRP, आप देखिए इस तरह से इसकी FRP आप कर सकते हैं, या आपको करना है जैसे इसको रीड करना है आपको पूरे पार्टीशन को रीड करने हैं आपने, ठीक है, बैकअप बनाने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आराम से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिखा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको करें परचेस, क्योंकि ये अगर आप इसको सोच रहे हैं कि परचेस करना, तो इससे अच्छा तो UMP परचेस कर लीजिए। हो सकता है UMP में कुछ जुगाड़ है, पर दोस्तों वो जुगाड़ हर कोई टेक्नीशियन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं इन दोनों को परचेस करने से आपको मना कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है, पर आप चाहें तो UMT परचेस कर सकते हैं। तो बट आप अगली वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट टूल है, मैं ये भी आपको चर्चा करूंगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे है ZS ISP MMC का अडेप्टर, अब उसकी बात करते हैं। तो ZS ISP MMC अडेप्टर अभी तक सबसे सक्सेस रहा है। आज ही मैंने अपने स्टूडेंट से भी खुद मैंने कॉल लगा के उससे पूछा कि भाई वो यूज कर रहा है ZS ISP, और जबकि उसका UFI भी है, पर वो ZS ISP यूज कर रहा है। बहुत इजी वे हो जाता है ZS ISP यूज करना, और क्योंकि वो कई लोग होते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, भाई मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं ये लेकर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो ZS ISP
तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको, ZSISP में हुई है जबरदस्त टेस्टिंग, और इस वजह से इसके टेस्टिंग के कारण, क्योंकि इसका पहला एक वर्जन और निकला था, उसके बाद इन्होंने एक नया वर्जन निकाला है, पर इसकी टेस्टिंग इतनी जबरदस्त हुई है और इस बार इसका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहा है। 200 पीस कुछ आए थे इनके ऑनर को जो है मिस्टर ZS मलिक, तो उनके पास में अभी मेरे ख्याल से 135 पीस बिक चुके हैं जो कि इनके पास टेस्टिंग के लिए आए थे, और उसमें से अभी तक एक की भी कंप्लेंट नहीं आई है। बहुत सारे इनके पीस हमारे स्टूडेंट ने भी परचेस किया दोस्तों, उन्होंने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की है कि सर मेरा सेट डेड हो गया है, क्योंकि इसमें किया है वोल्टेज पर प्रॉपर काम। अगर आप ये लेते हैं तो आप इसके जरूर वोल्टेज चेक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है, यूएमटी के ईएमसी या हो या मेडिकल का ईएमसी हो, दोनों पर हो रहे हैं वोल्टेज ओवर वोल्टेज के कारण आपका फोन कनेक्ट नहीं हो पाते और डेड और उल्टा हो जाते हैं। ZSISP आपके नए फोनों को सपोर्ट करता है, जैसे UFI लाइट के बाद अगर मैं इसके बाद बताऊंगा, पुराने को सब कर रहा है पर लेटेस्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके भी हार्डवेयर में है कुछ प्रॉब्लम। तो दोस्तों ZSISP की अगर मैं बात करूं, ये लेटेस्ट मोबाइलों में बहुत अच्छा टेस्ट किया जा चुका है, टेस्टिंग के मैं दिखा रहा हूँ, ये है वीवो का U10, जिन्होंने इनका ZSISP एडाप्टर के थ्रू ऑनलाइन MSK टूल हो गया या UMT हो गया, किसी भी टूल के आप एक्टिवेशन लेके अपने ISP पिन आउट करके अपना पैटर्न आप रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप ही आपको एक छोटी सी अपडेट जरूर दूंगा, उसके बाद में प्रॉपर एक वीडियो इसका आएगा। इनका बन रहा है एक MMC टूल, एक ऑनलाइन एक्टिवेशन टूल जो कि काफी कम रेट पर रहेगा, जिसमें बहुत सारी सर्विस है, थोड़ा बात मान लीजिए UFI की तरह, और ये करेगा UFS को भी सपोर्ट, और उसके साथ में आप जो आपकी फर्मवेयर हो गई, आप उसका डंप रीड करना है या पार्टीशन, जनरल पार्टीशन रीड करना है या एरेस करना है, फैक्ट्री मोड या FRP या फिर MTK के भी बहुत सारे काम हो गए, जैसे उसका बेसमेंट बनाना, IMEI रिपेयर करना, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने की है यहाँ पर ऐड। सिक्योरिटी अनलॉक नेटवर्क में, जैसे मैंने बताया कि कॉलकॉम में QCN और ये सारी नेटवर्क की फाइलें आ जाती हैं, MTK में आपका NVRAM और बहुत सारी चीजें हैं जो MTK में रहती हैं नेटवर्क में, कि फोन फ्लैश करने पर या डाउनग्रेड करने पर जो नेटवर्क चले जाते हैं MTK के बेसमेंट, तो ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। तो इस पर मैं एक वीडियो प्रैक्टिकली बनाऊंगा, तो इसलिए, और वैसे भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें UFI के हो या JTAG प्लक्स के हो, ईमेट या फिर कोई सा भी अडेप्टर, इसमें सारे अडेप्टर वर्किंग है, मतलब सपोर्टेबल है, मतलब अगर आप UFI यूज करते हैं या UFI का अडेप्टर आपके पास है या आपने परचेस कर लिया किसी से, मालूम हो सकता है किसी का UFI हो गया खराब तो आपने उसके अडेप्टर कर लिया परचेस, तो आप इस टूल के साथ आप बहुत अच्छा EMC का वर्क कर सकते हैं। खैर ये मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। तो ZSISP की बात करूँ तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि दोस्तों अगर ISP की बात करूँ MMC टूल की, तो इसका काफी अच्छा इसका आउटपुट मिला हुआ है, 3.0 USB ये सपोर्ट करता है और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है, तो ये मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, और ये मिलेगा आपको केवल ₹2000 में, और आप इसके लिए अगर आपको परचेस करना है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ZS मलिक ISP खरीदने के लिए, आप उनको व्हाट्सअप कीजिए, और देखिए कुरियर सर्विस सारी खुली हुई है, ये आपको कुरियर भी कर देंगे। अब मैं बात करता हूँ UFI लाइट की, चौथे नंबर पे जिसको मैंने रखा हुआ है, हालांकि ये मैंने बताया रैंडमली मैंने रखा हुआ है, ऐसा चौथा नंबर डाला नहीं है। दोस्तों अगर UFI के बारे में नॉलेज रखते हैं नहीं रखते हैं, तो मैं बता दूं कि UFI का एक कंप्लीट पैकेज में ये सारी चीजें आती है, जैसे दो E-सॉकेट, या हम बात करें एक आपका E-लाइट कनेक्टर, USB कनेक्टर, और जो 3.0 को सब करता है सपोर्ट हाई स्पीड के लिए, या फिर मैं बात करूं एक ISP पेन आउट करने के लिए एक अडेप्टर, तो ये सारी चीजें UFI अपने बॉक्स में देता था। अब UFI वालों ने क्या किया है, उन्होंने किया है UFI का ये E-लाइट करके, UFI लाइट करके इन्होंने निकाला है MMC का एक अडेप्टर, तो उन्होंने अपने इस अडेप्टर को कर दिया है बेचारा घर से बाहर अकेला, वो आप चाहें तो उसको भी खरीद सकते हैं, और ये आपको मिल जाता है मार्केट में ₹1200 और कुछ इसी के आसपास, ये परचेज आप कर सकते हैं यहाँ ZS मलिक से, या आप इनको खरीद सकते हैं बाबा टूल से। दोस्तों पर इसमें एक चीज है कि इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने निकाला था E-लाइट अडेप्टर वर्जन 1, जिन्होंने खाली इन्होंने से भी अडेप्टर दे दिया, सॉकेट दे दिया, अब इसमें ISP कहाँ लगा है भाई, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था कि UFI का अलग से अडेप्टर परचेस करना पड़ता था, जो कि ₹600 का समथिंग पड़ जाता था। सो इन्होंने क्या किया, मार्केट में इसका वर्जन 2 निकाल दिया है और उसकी कीमत कर दी है ज़्यादा, तो मतलब ये 1500-1600 या कुछ इस तरह से मार्केट में बिक रहा है, और अब ये इसके साथ में आ रहा है, मतलब ये हो गया आपका ISP का निकले, और ये आपका ताकि आप USB जैसे इसको लैपटॉप में अपने या डेस्कटॉप में इसको लगा सकें। ये बेसिकली है तो अच्छा, पर इसके डीमेरिट्स अगर, ये बेसिकली है तो अच्छा पर इसका अगर कॉन्स की बात करूँ, तो इसमें ये लेटेस्ट मोबाइलों को सपोर्ट नहीं कर रहा। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये है मेरे स्टूडेंट की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने भी ये परचेस किया है और ये बता रहे हैं कि सर ये पुराने 3G और
4G के मोबाइलों को सपोर्ट कर रहा है, पर कुछ लेटेस्ट फ़ोन को ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट का मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरा, वोल्टेज इसमें देखे गए हैं काफ़ी ठीक, और इसमें जैसे हीट सिंक भी आप ऊपर देख रहे होंगे इसके ICO पर, ताकि गर्म हो तो इसके ICO हो ठंडी, प्लस इसके साथ एक ऑन ऑफ स्विच बटन का भी दिया गया है। तो दोस्तों है तो ये अच्छा प्रोडक्ट, बट मैं आपको फिर भी बताऊं कि इसके हार्डवेयर में भी करना पड़ रहा है थोड़ा टेक्निकल जुगाड़, उसमें कहीं ना कहीं एक टेक्नीशियन वाला दिमाग इसमें लग रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर पाएगा। क्योंकि जब आपके पास कोई कस्टमर खड़ा है एक फ़ोन लेकर, आपने उसका काम ले लिया, और सपोज़ उस टाइम पर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हुआ, और वो कस्टमर तो चला जाएगा ना, वो तो आपका तो पैसा गया हो उस समय, भले ही आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपने कहीं ना कहीं YouTube से या आपने Google से जुगाड़ करके वो चलो उसको चला लिया, तो तब तक तो आपके कस्टमर जा रहे हैं। तो अभी इसके हार्डवेयर में और भी हो सकता है, मुझे लगे कि एक नया वर्जन आए जिसमें वो ये कनेक्टिविटी बेसिकली हो क्या रहा है कि डाटा और कमांड की लाइन को वोल्टेज नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो ISP का काम कर रहे हैं उनको लगता है, जिनको नॉलेज नहीं लिया, जो सिर्फ YouTube से नॉलेज ले रहे हैं, उनको लगता है कि जो VCC और VCC-Q से ही वोल्टेज आता है, ऐसा नहीं है, इनको भी एक्टिव होने के लिए वोल्टेज चाहिए। पर अगर वो वोल्टेज नहीं मिला तो वो कनेक्ट होने में आपको दिक्कत करेगा, आपको दिखाएगा वो प्रॉपर कनेक्टेड, और कुछ मोबाइल भी करेगा आपका प्रॉपर सपोर्ट, पर हो सकता है नए मोबाइल जिसमें चाहिए एक प्रॉपर वोल्टेज, सो वो शायद वो कनेक्ट ना करे, तो एक ये मसला इसके साथ जा सकता है। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, बट कहीं ना कहीं आगे आपको इसमें दिक्कत जाएगी, पर इसके कुछ लोगों ने जुगाड़ निकाल लिए, आप चाहे तो YouTube में सर्च कर सकते हैं उनको, और उन्होंने अपने चैनल पे इसके जुगाड़ भी डाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं मेरे से इसका जुगाड़, तो मैं इसका आगे वीडियो बना दूंगा, पर आपको करना पड़ेगा कमेंट, और लिखना पड़ेगा कि सर हमको बता दीजिए कि हमको क्या करना है, तो हम आपको बताएंगे ज़रूर 102%। अब मैं बात करता हूँ पाँचवें नंबर पर, जो मैं टूल लेना चाहता हूँ वो है AE टूल। दोस्तों ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, पहली बात तो बहुत महंगा है, बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी नहीं है, और बहुत सारे मॉडल भी पहले इसमें सपोर्टेबल नहीं थे, पहले शुरू में कुछ ओप्पो के मॉडल्स को सपोर्ट करता था, पर धीरे धीरे इसको भी अपडेट किया गया, पर जब मार्केट में सस्ते और अच्छे तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आपके लिए रहेगा बेस्ट, तो वो रहेगा ISP ZS ISP, आप इसको परचेस कीजिए, ये सारे अडेप्टरों में करता है वर्क, तो हालांकि सभी करते हैं क्योंकि सभी एक अडेप्टर की तरह हैं, पर इसमें अभी तक कोई भी फॉल्ट नहीं देखा गया है, 135 बिक चुके हैं और 135 में अभी तक कोई फ़ोन डेड नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट है ग्राउंड लेवल की, मतलब जो स्टूडेंट से हम जो मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है, अगर उनसे डेड होता तो वो हमें ज़रूर कंप्लेन करते हैं, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं UFI Lite, पर UFI Lite में प्रॉब्लम जा सकते हैं आपको, और मुझे यकीन है अगर जिसको भी प्रॉब्लम जा रहा है तो वो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रहा है, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो और उसके बाद यहाँ पर आप UMT ही का ही लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो UMT का लूँगा, मैं तो सपोर्ट करता हूँ, तो ठीक है थोड़ा रुक जाइए, हो सकता है कि इसमें ये वोल्टेज पर करे कुछ काम, और एक अपने अडेप्टर का ले आए Version 2, और हो सकता है ये आपको बाद में अपडेट कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने कहा था, बड़ी स्पेशल डिमांड की थी सर ISP अडेप्टर पे बनाइए, क्योंकि ISP अडेप्टर में लोगों को कन्फ्यूज़न है, भाई UMT वाला लूँ कि UFI Lite लूँ कि क्या लूँ, मिरेकल लूँ कि AE टूल या ZS ISP अभी जो आ चुका है नया, तो क्या लूँ अब समझ में नहीं आ रहा। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप अपने फ़ोन को करो डैड, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, अगर आपने नहीं लिया है तो UMT ओवर वोल्टेज के कारण फ़ोन को कर रहा है डैड, UFI Lite कहीं ना कहीं फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कुछ नए लेटेस्ट, और दूसरी तीसरी चीज़ मैं बात करूँ ZS ISP का, अब तक तो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट सही है, इसको आप करें टेस्ट, और सबसे अच्छी बात है ये आपको शायद कोई मिले ना मिले वारंटी पर ZS ISP आपको मिल जाएगा फुल लाइफ टाइम वारंटी पर। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ कौन कौन से टूल बॉक्स आपको परचेस करने हैं, और कौन से टूल बॉक्स से क्या क्या काम होता है, और मार्केट में अभी क्या चल रहा है, सो ये सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। उसके बाद में एक वीडियो फिर से उसके बाद में एक नया वीडियो अपडेट करूँगा, वो करूँगा आईफोन के सारे टूल पर कि आईफोन के और उनके मार्केट रेट एक्चुअल में बताऊँगा, और वो भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ, जो कि आपको मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कहीं मिलेंगे। अगर दोस्तों आप सॉफ्टवेयर ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं MMC का पूरा काम प्रैक्टिकली एक हमारे सामने बैठ कर कि भाई हाँ सर मैंने स्वैपिंग की, हाँ सर मैंने IC निकाली, हाँ सर मैंने ग्लू पेस्ट करना सीखा, तो ये सारी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो
तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए और आने वाले समय की बुकिंग कराइए। अगर आप चाहते हैं अपडेट होना ऐसे ही तो हमारे वीडियो को जुड़े रहें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज सीखने के, तो सिलेबस तो हमारा बहुत सारा है, उसको एक वीडियो में बता पाना बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.acertelecom.info, या तो आप कर सकते हैं आप हमें कॉल कीजिए आप, और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक भी एक वेबसाइट में डालना एक चीज है पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपको क्या मिलेगा जो एक बेस्ट आपको बताएगा, जो कि कोई दूसरा शायद ही दे पाए। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर वन पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील्ड ना, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है ये, बिल्कुल नई नई चीज है। हर दिन 10,000 टाइप के नए मोबाइल, नए सर्किट आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडमी नोट 8 की बात करें, उसमें जो लाइट ऐसी आ रही, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नॉलेज होगी, पर जिनको नॉलेज है वो अपडेट हो रहे होंगे। पर उनका क्या, जो सिर्फ 6 लैग की ऐसी सीख कर चलेगा, या 12 बॉल या 9 बॉल, तो उसके ऊपर क्या, मतलब 16 लैग उसके ऊपर क्या। तो वही चीज है, एक स्टूडेंट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो अपडेट देता हो, जो आपको लगता हो समय समय पे आपको अपडेट दे रहा हो, जो आपको एक बार सिखा के छोड़ ना दिया हो। क्योंकि दोस्तों सिखा तो हम बहुत बेस्ट देते हैं, आपको तो पता ही, हमने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हमने 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा हमने अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा हमारा बैकग्राउंड और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ। पर दोस्तों मैं सच बताऊं कि नंबर वन पे आपको मिलेगा इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस। मतलब यहां से जाने के बाद अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो अपने टीचर, कोई से भी टीचर को कोई भी स्टूडेंट कॉल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि वो पढ़ा रहा होगा उस टाइम पे, तो वो कैसे कॉल उठाएगा। सो आप इंस्टेंटली कॉल सर्विस में हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं उस टाइम पे, और वहां पे आप EMMC लेवल तक के आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हद तक सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद तो फिर हम बैठे ही हैं। तो दूसरे नंबर फिर आपको मिलेगा, यहां पर दूसरे नंबर पे आपको जो मिलेगा जूम ऐप के थ्रू, ये सबसे मेन अपडेट है। एक तो इंस्टेंट, ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपडेट, दूसरा हो गया जूम ऐप। जूम ऐप में दोस्तों हम पर्टिकुलरली खुद टीचर आकर हर महीने में अपने हर बैच के स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन हो गए, अब लाइट में क्या नया लाइट आया, कौन सा सेक्शन नया लाइट में आ गया, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो की मैंने बात की है, अभी कौन सा आ रहा है, या पावर IC के अंदर उसमें और क्या क्या सर्किट बन रहे हैं। सो ये सेक्शन को हम पूरा उनको विजुलाइज करके पूरा उनको सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वर्क ऑफ फ्लो, जैसे वर्क ऑफ फ्लो बोलते हैं जिसको, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उनको पूरा इनपुट आउटपुट EN जो भी उसकी कमांड लाइन है, जो भी I2C या जो भी उनके अलग प्रोटोकॉल, जो उनकी सप्लाइयां हैं, वो सारी सप्लाइयां उसमें हम शेयर करते हैं उनके साथ में। तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा जो ग्रुप के साथ, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट दे ही देता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप एवरी टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी होते हैं जो अपना भी शेयर करते हैं डाटा, और आपका आपसे भी डाटा वो लेते हैं और उससे सीखते हैं। सो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो बहुत बड़ी लेवल पे हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये सोच के, आप ये मान के चलिए कि हम आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने एक मेहनत से पैसा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा कर आपने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। यहाँ हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। सो जुड़े रहे इसी तरह, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट तरीको और फिलो तरीको आने वाले समय में देने वाले हमारे क्रिकेट और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत। ठीक है, एक बार जोर से क्लैप कर दीजिए इनके लिए, IC लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.